समझता हूं आजादी के बाद ईमानदारी के साथ भारत के अन्नदाता किसानों को एमएसपी का लाभ अगर किसी ने दिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी। और अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखनी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, कांग्रेस भी, मेरे बात सुनो ना, लाठा जी बैठिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए लाठा जी, बैठिए लाठा जी, 1000 रुपए में धान बिक रहा है, मेरे बात बैठिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे भाई लाठा जी बैठ जाइए, एक अपने घर की चीज को यहाँ पे मत उतारिए, सॉसेजेज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात को सुन रहे हैं, सुनेंगे भी, मैं परसों भी आया था इसलिए सुनने के लिए। इससे पहले देखिए, मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा, बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं, चिंता आपका नाम बैठ जाइए, यथा नाम तथा काम करिए, भी नाम उत्तम है, काम गलत क्यों कर रहे हैं, उत्तम बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, ये तो इसीलिए मैंने कहा ना, भाषा नहीं है भाई आप ये, इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा, बैठिए सुन लीजिए, ये सदन है, पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए, बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। अच्छा बैठिए उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी बैठिए, लाठा जी बैठिए, देखिए ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए, इसीलिए सीखिए, बैठिए बैठिए लाठा जी, लाठा जी बैठिए, माननीय नेता विरोधी दल अपने सामान्य सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए, बैठ जाइए आप, इसीलिए आप बैठ जाइए, आप बैठिए, मैं जानता हूँ नहीं गलत बोली, इस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे, बहुत अच्छे ढंग से बैठिए आप, बैठिए, सुनने की आदत भी डालिए, अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए, आसमान में ना धोखा टोकी मत करिए, लाठर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं, यह आचरण अच्छा नहीं है, ये अच्छा आचरण नहीं है, सभापति जी नहीं, बैठ जाइए, अरे सुनने की आदत तो डालिए, ये मत समझाइए, जिस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बोल रहे हैं, देखिए उत्तेजना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कोई उत्तेजना दिखाने की आवश्यकता नहीं, बहुत साफ तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी तब अपनी बात को बोलिए, इस चीज को चेयर तय करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं ना शांति से थोड़ा सुनने की आदत भी डालिए महोदय, मैंने कहा हमने भी नहीं, हम भी उस चीज को नहीं मान रहे, तो ये सभापति जी, नहीं नहीं मैं इसीलिए कह रहा था कि नाम तो उत्तम है और काम जो है दोसाई कर रहे हैं, तो मैं इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है, उत्तम जी बैठिए, आप योगी हैं, सबको मालूम है, वो सबको मालूम है, हम इस बारे में बोल रहे हैं ना, पूरा प्रदेश जानता है मानवर, आप उत्तम जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए, भदौरिया जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए,
एक एक करके आप लोग बार बार व्यवधान पैदा करेंगे, ये उचित नहीं है। नहीं, आप बैठ जाइए भदौरिया जी, आप बैठ जाइए भदौरिया जी, आप बैठ जाइए। नहीं कहना है कोई बात, आप बैठ जाइए। अब ये तो अंत भदौरिया जी, बैठ जाइए। अंतिम से चला है, एक बार सुन लीजिए, फिर अंत में बोलिए अपनी बात अपनी। नहीं नहीं, आप बैठ जाइए सभापति जी। देखिए 2014-15 में गेहूं के बारे में